रेलवे टिकट को बुक करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ऊपर लिखते हैं www.irctc.co.in, उसके बाद ये वाला पेज खुल जाता है। उसके बाद फिर हम कहाँ से हमें जाना है, कहाँ पे जाना है, तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा दिल्ली से जाना है, और कहाँ जाना है, जम्मू जाना है। इस तरह से दिल्ली से जाना है, जम्मू जाना है, और कौन सी डेट को जाना है, तो यहाँ से इस बटन में मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ से कौन सी डेट को जाना है, कौन से मंथ को जाना है, तो इस तरह से आप उसको डेट को फिक्स कर सकते हो। जैसे हमने कहा हमें 12-15 को जाना है, ऐसे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ से फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक कर, उसके बाद जितनी भी ट्रेन जाती होंगी वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। राजधानी है, दिल्ली एक्सप्रेस है, सफरियंग एक्सप्रेस है, ये सारी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से मैंने किया चेक एबिलिटी फेयर, ऐसे इस बटन में क्लिक कर दिया, और ये जितनी भी ट्रेन जा रही हैं। तो सबसे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अवेलेबल का मतलब होता है कि इसका मतलब सीट ब्लैंक है, खाली है। लेकिन कई बार WL लिखा होता है तो उसका मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, और उसमें नंबर लिखा होता है कि कितना वेटिंग लिस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बुक नाउ कर दिया और ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम अपना यूज़र जो अकाउंट नेम है वो डालेंगे, और अपना जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डालेंगे। फिर यहाँ से OTP में क्लिक किया और यहाँ से साइन इन कर दिया। जो भी आपका OTP होगा वो आपके फ़ोन में आ जाएगा। जो भी OTP है वो यहाँ पे आप टाइप करोगे। फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद जिसको भी जाना है उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दीक्षा। फिर इनकी एज कितनी है, 21। फिर ये फीमेल हैं। फिर यहाँ पे लिखा होता है लोअर, मिडल, अपर साइड, तो यहाँ से भी आपने जो भी सीट आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दिया। और फूड अगर चाहिए, वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए, तो उसमें क्लिक कर दिया। उसके बाद इस तरह से आप एक आईडी से 6 लोगों को की टिकट बुक कर सकते हैं एक टाइम, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना और दूसरे को, तो यहाँ से नीचे आपका बुकिंग OTP दोबारा आ गया होगा आपके फ़ोन पे, जो फ़ोन नंबर है उसके आगे। तो जो भी OTP आया है वो दोबारा से आपने बुकिंग का टाइप करना है। सिक्स सेवन वन टू सेवन वन। फिर उसके बाद कंटिन्यू बुकिंग में क्लिक करते हैं। अगर नहीं करना बुक तो रिप्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू बुकिंग में क्लिक कर सकते हैं अगर बुक करना है। फिर ये आपको ये आपका टिकट दिखाई दे रहा है 1280 रुपये का, ठीक है, ये पूरा टिकट है। उसके बाद यहाँ से आप करेंगे कंटिन्यू बुकिंग। फिर यहाँ से आपने पेमेंट कैसे करनी है, ATM से करनी है, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड मतलब जो ATM होता है उसको डेबिट कार्ड कहते हैं। ऐसे क्लिक कर दिया। मैंने कहा मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
का जो डेबिट कार्ड है उससे करनी है, फिर मेक पेमेंट करते हैं। सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा धीरे से खुलेगा। फिर ये देखो आपकी टिकट आ गई सामने और ये अमाउंट आ गया। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर जो है कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके एटीएम के पीछे जो लिखा होता है मंथ और ईयर लिखा होता है वो डाल सकते हैं। और एटीएम का पिन नंबर जो होता है आपका पिन नंबर जो आप एटीएम में डालते हैं वो वाला डलता है। और यहाँ पे ये वाला करेक्टर डलेगा, जो भी पिक्चर ये ब्लॉग बता रहा है करेक्टर्स ये वाले यहाँ पे टाइप होंगे और प्रोसेस करते ही उसके बाद आपकी टिकट जो होती है वो आपके आपका आपके उसमें फ़ोन जो नंबर होता है उसमें मैसेज में आ जाता है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।